आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे, आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंगे और फिरकियाँ ला कर देंगे, पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। मैं छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आँखें ही खोली थी और मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वो निकले। हाँ, वो मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाज़ें आ रही थी। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आँखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर रंग और इतने सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। चीची की तेज आवाज़ के साथ वो चीख रहा था, पर सब लोग त्यौहार के मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। बच्चे मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देखकर मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हाल होता जो उस चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कालोहाल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा, कैसे उड़ रहे होंगे वो आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची, और यह धागा इतना खतरनाक है कि इससे उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और अपने माँ बाप की याद में थककर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते से उड़ते हाल में दिखाई दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए हैं, हर तरफ से खून बह रहा था, उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कर्राते हुए चार दाने मेरे चोंच में डाले और कहा, बेटा इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं किसी तरह तुम तक पहुँचाऊँ, तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझ कर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली और मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर ना रह जाऊँ और मेरे बच्चे अकेले ना रह जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझ कर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं, और कितने के माँ बाप अपने नन्हे बच्चों के लिए रोते हैं उस छोटी चिड़िया की तरह। क्या आप मुझसे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाओगे जहाँ पंछी ना उड़ते हों? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के मांझे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो।